जी की न्यूज पॉइंट लाइव के साथ जुड़ चुके हैं आप। मैं हूं प्रियंका गुप्ता, आपके साथ बात करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया है क्योंकि मेहर रामबन में पस्सियां गिरने के कारण जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। और आप साफ तौर पर ये ग्राउंड जीरो से विजुअल्स देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए नदीम हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नदीम, और क्या कुछ जानकारी आ रही है, कितनी देर, कितने घंटे हो गए ये नेशनल हाईवे बंद हुए? जी देखिए प्रियंका, जिस तरह से हम नेशनल हाईवे की बात करें तो अक्सर हम देखते हैं कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर पस्सियां और पत्थर गिरने का सिलसिला चलता रहता है। तो आज की अगर हम बात करें, मिहाड़ का ये मकाम है जहां पे पस्सियां उतरी हैं। अगर पहले की बात करें तो आज से पहले भी वहां पे शूटिंग स्टोन जरूर होता था, लेकिन आज सुबह से जब हम देख रहे हैं 9, 9:30, 10 बजे के करीब पे, जब वहां पे ये जो शूटिंग स्टोन्स ने एक लैंडस्लाइड की शक्ल इख्तियार की और उसकी वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर जो व्हीकुलर मूवमेंट है वो बंद हो गया। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि क्लियरेंस का काम तो वहां पे स्टार्ट किया गया है, लेकिन साथ साथ जो शूटिंग स्टोन हो रहे तो उससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है रोड क्लियरेंस में। अभी की अगर हम बात करें, अभी रोड क्लियरेंस का जो काम है वो प्रोग्रेस में है, लेकिन अभी ये बताना भी कबल अज वक्त होगा कि कितना टाइम मजीद जो लग सकता है श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को क्लियर करने में, क्योंकि क्लियरेंस का काम चल रहा है। क्लियरेंस के काम के साथ साथ में शूटिंग स्टोन हो रहा है, जैसे शूटिंग स्टोन का सिलसिला रुकता है और उसके बाद ही गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाती है। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं साफ तौर पर दृश्य दिखा रहे हैं, रोड क्लियरेंस का काम लगातार जारी है। तो नदीम, और क्या कुछ अपडेट है, कितनी गाड़ियां वहां पर हैं इस वक्त? जी देखिए प्रियंका, आज की अगर हम बात करें, क्योंकि COVID-19 के चलते एसेंशियल सर्विसेज वाली जो गाड़ियां हैं उन्हें चलने की इजाजत होती है, या फिर जो भी इमरजेंसी कैरिंग गाड़ियां होती है उन्हें चलने की इजाजत है। हालांकि अगर हम देखें आज फिगर गाड़ियों का जो है काफी ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी कड़कती गर्मी में, शिद्दत की गर्मी में जो भी गाड़ियां इस वक्त दरमंदा नेशनल हाईवे पर है उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि COVID-19 के चलते जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन है उन्होंने भी जो फैसिलिटीज पहले अवेलेबल करवाई जाती थी स्टैंडर्ड पैसेंजर्स के लिए वो सब फैसिलिटीज विड्रॉ की है। तो इस वक्त एक तरफ रोड बंद है और दूसरी तरफ जो मुसाफिर दरमांदा है उन्हें भी कई तरह की मुश्किलात से गुजरना पड़ा। अगर मुश्किलात की बात की जाए नदीम, जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं क्या कुछ मुश्किलात उन्हें फेस करनी पड़ रही है? जी प्रियंका देखिए, जिस तरह से पहले हम देखा करते थे कि नेशनल हाईवे जब बंद होता है तो होटल्स वगैरह खुले होते थे, वहां पे खाने पीने की चीजें मिल जाया करती थी, होटल्स वगैरह रात को ठहरने के लिए मिल जाया करते थे। और आज की अगर हम बात करें, क्योंकि पीने के लिए पानी की बात करें तो वो भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि नेशनल हाईवे के आसपास में जो पहले बिजनेस यूनिट्स थे जहां पे आपको ये सब चीजें अवेलेबल होती थी, लेकिन आज की डेट में जो है उन्हें डिमोलिश किया गया था, क्योंकि वो रोड अलाइनमेंट जो फोर लेनिंग है उसमें आए थे। तो आज ये प्रॉब्लम्स उनके सामने है, जो पेशेंट, जो भी इस वक्त पैसेंजर्स, जो भी सवारियां, जो भी लोग इस वक्त श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर दरमांदा है। और अभी की अगर हम प्रियंका एक बात करें, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं नेशनल हाईवे श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे रामबन से जब गुजरता है तो इसके साथ से एक लिंक रोड है जो करोल से नेशनल हाईवे से अलग होती है और रामबन मस्जिद मार्केट के मकाम पे वो नेशनल हाईवे से दोबारा मिल जाती है। तो उस रोड पर भी, नेशनल हाईवे पर तो हम जाम देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम जब करोल और जो मैत्रा वाली रोड है उस पर भी हमें जो है ट्रैफिक जैमिंग का मंजर देखने को मिल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नदीम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो नदीम हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए थे और इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, और जिस तरह से वो बात कर रहे थे आप साफ तौर पर ये दृश्य देख सकते हैं, रोड क्लियरेंस का काम चल रहा है मेहर रामबन में पस्सियां गिरने के कारण रोड जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। और जो हालांकि असेंशियल गाड़ियों को ही इजाजत दी गई है, पर जो लोग, जो गाड़ियां वहां पर फंसी हुई हैं बहुत मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहे जेके न्यूज पॉइंट।